रहीम ने आपको परेशान तो नहीं किया जोधा बेगम? बिल्कुल नहीं सलीमा बेगम, ये तो हमारे साथ अपने खिलौने बांटने को भी तैयार हो गए। अच्छा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलें। जी, वैसे भी रहीम को इतनी देर संभाल कर थक गई होंगी आप, इन्हें इतनी देर संभालने के लिए शुक्रिया। जी जोधा, क्या हुआ मोती? जोधा खेबर की जगह फिर से आ रही है, कदाचित उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या फिर से? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हम बहुत खुश हैं आजकल सा, ये रिश्ता मुगल सल्तनत की ताकत और मजबूती बनेगा। बेशक हुजूर, तारीख में आपका ये कदम दूरंदेशी का कदम माना जाएगा। आपके इस कदम की मिसालें दी जाएंगी। जरा रुके हैं अदका साहब, हम अभी आते हैं। क्या बात है, हम नहीं जानते थे कि रियाज भी इतना सुरीला होता है। हमें उम्मीद है कि आपका रियाज उमदा चल रहा है। अब तैयार रहेगा तानसेन साहब, बहुत जल्द इस महल में मौसीकी की महफिल सजने वाली है। ये महल एक और अजीमो शान निकाह का गवाह बनने वाला है। मोहतरमा, हमें उम्मीद है कि आप खुद को इस महल में महफूज महसूस कर रही। आपका करम है हुजूर। करम तो अल्लाह ताला का है आप पर, जिन्होंने आपको इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, और ऊपर से आपको तानसेन साहब की शागिर्दगी मिल रही है। हुजूर, रियाज जारी रखें, हम तो बस यूं ही आ गए थे। आदाब। धन्यवाद शेंच। आदाब। एक काम करो, टोडरमल साहब के पास जाओ और हिसाब किताब में उनकी मदद करो। अदगर साहब। जी हुजूर। ये शेख अमानुल्लाह खान कामकाज में कैसा है? कामकाज तो ठीक है हुजूर, मगर सुनने में आया है कि बहुत गुस्से वाला है। हरम में भी खबर है कि ये अक्सर अपनी बीवी अतीफा पर हाथ उठा लेता है। क्या? लेकिन एक मर्द को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। ये मियां बीवी का आपसी जाती मामला है। जब तक अतीफा खुद मदद नहीं मांगती या गुहार नहीं करती, किसी का भी इसमें बीच में बोलना वाजिब नहीं है। जो भी हो उदकासा, अगर एक मजलूम शिकायत नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर जुल्म होता हुआ देखें। अब इस पर नजर रखवाएं। ये जब भी अपनी बीवी पर हाथ उठाए उस बात की खबर हमें फौरन मिलनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। नहीं हमारे साथ। तुमने इन्हें मारने का साहस कैसे किया? बेगम साहिबा, दरअसल वो, जब शहंशाह ने इन्हें दंड देने के लिए मना किया है तो तुमने इन्हें मारा क्यों? क्यों? यदि दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो हम शहंशाह से कहकर तुम्हें दंड दिलवाएंगे, समझे? गुस्ताखी माफ। शहंशाह, तक लिया। शहंशाह
अगर हम चाहते तो इस मामले के बारे में आपके हुजूर में आपसे मिलकर आपसे बात कर सकते, लेकिन शायद हम इतना सब्र नहीं कि हम उस वक्त तक इंतजार कर सके। बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि आप ये गलतियां क्यों दोहराती हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके कोख में मुगल सल्तनत का वारिस पल रहा है, उसके बावजूद आप इस दरिंदे से मिलने क्यों आई। आप जानते हैं हमें ये गवारा नहीं, आप जानती हैं कि हमने आपको मना किया है कि आप कैदखाने में नहीं आ सकती, तो उसके बावजूद आप हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों करती हैं? शहंशाह, यदि आपके सैनिक आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो कदाचित हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ता, परंतु इन्हें फिर से पीड़ा दी जा रही है। क्या हुआ अगर इसे तकलीफ हो रही है जोधा बेगम? तो क्या हुआ अगर इसे इसके खेत की सजा मिल रही है? इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करें जोधा बेगम। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। अगर कोई बात थी भी तो आप हमसे आकर मिलती, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? शायद हमारी मोहब्बत की वजह से आप ये बात भूल गई हैं कि एक शौहर अपनी बीवी से कैसे पेश आता है, उसकी कितनी बंदिशों में रखता है। जोधा बेगम, हमारी मोहब्बत का, हमने जो आपको आजादी दी है, आप उसका इस तरह से फायदा उठाएंगी? परंतु बस जोधा बेगम, अब हम और बात नहीं करना चाहते हैं, और सफाइयां नहीं सुनना चाहते हैं, और बहस नहीं करना चाहते हैं। उस बीवी की कोई नहीं सुनता जो अपने शौहर की उम्मीदों पर खरा ना उतर सके। खैर, हम यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहते, आइए हमारे साथ। सबके बीच तो हम इसे भूल ही गए। प्रणाम जोधा बेगम, आप हमें नहीं जानती, परंतु हमें आप पर विश्वास है, इसीलिए ये पत्र आपको लिखा है। हम चंपावत के राजा अरिमर्दान सिंह की पुत्री है। आपके पति शहंशाह जलालुद्दीन की इच्छा है कि हमारा विवाह उनके मंत्री अदगा खान जी के पुत्र अजीज कोका से कर दिया जाए। हमारे पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है, परंतु हमें एक विधर्मी से विवाह करना अस्वीकार है। आप एक हिंदू राजकुमारी है, आशा है हमारी भावनाओं को समझेंगी। आपने भले ही समझौता करके एक मुगल से विवाह किया हो, परंतु हमें अपनी ये नियति स्वीकार नहीं। एक मुगल के गले में वरमाला डालने की अपेक्षा हम मृत्यु का वरण करना अधिक श्रेष्ठ कर समझेंगे। क्या एक हिंदू बेगम हमारी सहायता कर पाएंगी? जो स्त्री खिलौने वाली के भेष में आपसे मिली, वो हमारी सखी है। आपका उत्तर जानने कल वो फिर आएंगी। धन्यवाद। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। उसे भी तुम पसंद हो, और ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि सबके एतराज के बावजूद वो तुमसे मिलने आई। खैबर, हाँ खैबर, तुमसे मिलने आई वो, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। खैबर, नहीं 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 खैबर, नहीं। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। खैबर, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचाने का जरिया बनूंगा। हुर्राओ, हाँ खैबर, और हुर्राओ, हाँ खैबर, हाँ, ताकि तुम्हारे अंदर का जानवर जिंदा रहे और तुम्हारी इस गुर्राहट के पीछे मेरी आवाज दफन हो जाए। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये देखो खैबर, ये है वो नक्शा, गौर से देखो इसे। जोधा तक पहुंचने का नक्शा है ये। हाँ, और ये है वो हथियार।
शहंशाह, आप तो जानते ही है ना, हमें आखेट पर जाना है किसी वन्य प्राणी का वध करना बिल्कुल भी नहीं भाता है। फिर भी हर बार आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपके साथ जाते थे, और इस बार आप स्वयं ही हमें चलने के लिए मना कर रहे हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम, कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी, और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो दो दिन के बजाय एक हफ्ता बीत जाएगा। और फिर जब हमने खास बेगमात के लिए मीना बाजार लगवाया था, तब आपने हमें कहा था कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे बाकी बेगमात को बुरा लगे, है ना? आप चाहते हैं ना कि हम एक बेहतर शौहर बने, तो एक बेहतर शौहर होने के नाते हमें कड़े फैसले लेने होंगे, और ये उनमें से एक ही है। अदगर साहब, हमारा जहां पड़ाव है आप वहां जाकर हमारे रुकने के इंतजामात संभालें। जी हुजूर, बेहतर है। हर वक्त पर्दानशी होती? नहीं हुजूर, मगर हमारे शोहर का हुक्म है कि हम हमेशा पर्दे में रहें। हाँ, लेकिन इस वक्त आपके शोहर यहाँ मौजूद नहीं है। हमारा मतलब है कि आप मुगल सल्तनत के सिपाहियों के महफूज घेरे में हैं, यहाँ पर आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। देखिए, शानदार नजारे हैं, क्यों ना आप कुदरत के नजारों का दीदार करें और उन्हें आपकी खूबसूरती का दीदार करने दें। लगता है बारिश होने वाली, हम चाहेंगे कि आप सब लोग पड़ाव में जाएं और आराम फरमाएं। जी शहंशाह। उस्ताद हुजूर, क्या हम और शिकार नहीं खेलेंगे? नहीं, शायद शहंशाह पहले विश्राम करना चाहते हैं, और मौसम भी शिकार खेलने के अनुकूल नहीं। एक बार ये तेज हवा बंद हो जाए उसके पश्चात शिकार खेलने जाएंगे। यहाँ खुले में कितना सुकून है, वहाँ खेमे में ये मजा कहाँ। तानसेन साहब, हमें लगता है कि हम थोड़ी देर और शिकार करेंगे, आप अगर चाहे तो पड़ाव में जाकर आराम फरमाएं, हमारी इजाजत है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। जी शहंशाह, धन्यवाद, हम वाकई में बहुत थक गए थे, विश्राम करना चाहते हैं। मौसम वाकई अच्छा है शिकार करने के। हमारे लिए नए खिलौने। क्या जोधा बेगम, आज आपने फिर से रहीम के लिए नए खिलौने लिए? जी, मगर उसकी क्या जरूरत थी जोधा बेगम, कल ही तो हमने रहीम के लिए इतने सारे खिलौने लिए थे। बालकों को तो कितने भी खिलौने दो कभी पड़ जाते हैं। फिर कल जो खिलौने थे वो इतने अच्छे भी नहीं थे, और उसमें से एक टूट भी गया था, इसलिए तो हमने आज नए खिलौने मंगवाए हैं। देखिए, इसमें हाथी है, घोड़ा है, रथ है। आप रहीम को बहुत लाड़ करने लगी हैं जोधा बेगम, देखिएगा एक वक्त आएगा जब ये आपके ही सर पर सवार रहेंगे। वैसे जोधा बेगम, हम सोचकर ही हैरान हो रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद आप तीन तीन बच्चों को किस तरह संभाल पाएंगी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम ने आपको याद फरमाया है सलीमा बेगम। हम आते हैं। अच्छा जोधा बेगम, आप रहीम को कुछ देर और संभालिए, हम मलिका आजम से मिलकर आते हैं। जी बिल्कुल। ये लो घोड़ा, देखो कैसे चलता है। अब चलेगा हमारा घोड़ा, तबड़िक 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 तबड़िक। आपका क्या उत्तर है कुंवरी जोधा, हमारी राजकुमारी को मैं जाकर क्या संदेश दूं? क्या आप इस विवाह को रुकवा सकती हैं? आप अपनी राजकुमारी से जाकर कहिए कि कोई भी अनुचित निर्णय ना ले, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या इसे हम एक राजवंशी कुंवरी का वचन समझें? सुभान अल्लाह,
ये हमारी तरफ से खूबसूरत नजराना कबूल करे। शुक्रिया। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ बात करनी थी हमें। कही अदकसा। हुजूर, जो इन दिनों आप कर रहे हैं वो गलत है, गुनाह है। कैसा गुनाह? किसी शादीशुदा औरत को अपने साथ में लेके आना, उसे देखना, उसकी सोबत में रहना जिनाकारी है। यह न सिर्फ कायदे मुगल सल्तनत के खिलाफ है बल्कि शरीयत के हिसाब से भी गुनाह अजीम है। ये बातें आप हमसे बेहतर समझते हैं, मगर फिर भी आपके अतालिक होने के नाते और मुगल सल्तनत के मुलाजिम होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आपको आगाह करें। अब वजह फरमाते हैं कैसा? आप हमारे अतालिक हैं, हमें एतबार है कि आप हमेशा हमारी नेकी ही चाहेंगे, लेकिन हम जब भी अतीफा को गाना गाते हुए सुनते हैं हम खुद पर से आपा खो देते हैं। हम जानते हैं ये गलत है, हम जानते हैं कि हम अपने बेगमात के साथ गलत कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा जोधा बेगम के साथ गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था उनकी देखभाल करने के लिए, ना कि इस तरह शिकार पे आ जाना चाहिए था। लेकिन सच कहें तो अतीफा की सूरत ही नहीं, उसका ख्याल ही हमें बेचैन कर देता है। सच कहें तो हमें नहीं लगा था कि जोधा बेगम के अलावा हम किसी और से भी मोहब्बत करेंगे, उसने हमें उसका पागल बना दिया है। और सच कहें अदका साहब तो हमारे दिल ने हमसे ही गद्दारी कर दी है। खैबर, इस तरफ आओ, आओ खैबर। हुजूर, आदाब, आप इस वक्त यहाँ? यहाँ की जिम्मेदारी हमारी है और उसे हम कब निभाने आते हैं ये तुम नहीं देखोगे। मुस्तैद रहो, दरवाजा खोलो। कोई सिपाही क्यों नहीं है? ए, इधर सुनो, यहां का सिपाही कहां गया? पता नहीं हुजूर। इस कैद खाने से फरार हो गया है, वो किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। इतना बड़ा दरिंदा बिना किसी को नजर आए फरार कैसे हो सकता है? जब तक उसे कोई खुफिया रास्ता मालूम ना हो। हमारी बेगम साहिबा को छूने की हिमाकत की, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
क्या देख रहे हैं? जलाल लतीफा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। आदाब। आदाब शरीफुद्दीन, सब खैरियत? जी। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको शिकार पर मजा आया होगा, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप जाकर आराम फरमाएं, हम कुछ वक्त बाद आपसे मिलेंगे। एक खास मसले के बारे में आपसे मसलत फौरन जरूरी है। क्या? हम दो दिन के लिए महल से बाहर क्या गए, हमारी गैर मौजूदगी में साजिशों के पुलिंदे खुल गए, वो दरिंदा हमारे हरम तक पहुंच गया। जब हम अपने महल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तब हम अपनी सल्तनत की हिफाजत क्या करेंगे? उसने हमारी जोधा बेगम को छूने की गुस्ताखी की है, हम उसका कत्ल कर देंगे। वही तो हुजूर, यकीन नहीं होता। उसने जोधा बेगम को छुआ तो छुआ कैसे? इस गुस्ताखी के लिए उसे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक और सवाल हमारे ज़हन में उठता है कि वो दरिंदा हमारे हरम तक पहुंचा कैसे? हुजूर, वो तो हम अचानक से कैद खाने के दौरे पर निकल पड़े और वहाँ हमें मालूम चला कि वो दरिंदा वहाँ से भाग चुका है। अगर हमें जरा भी देर हो गई होती तो वो दरिंदा न जाने जोधा बेगम को, वो वाक्य हमारी आंखों से निकलता ही नहीं। वो दरिंदा जोधा बेगम के खोजरे में उनके सिरहाने बैठे उन्हें चू रहा है। और हम सुन चुके हैं शरफुद्दीन, पर यकीन मानिए हमारा, हम उस गुस्ताख को माकूल सजा देंगे। जी हुजूर। शरीफुद्दीन साहब, ये कैसे मुमकिन है कि खैबर जैसा दरिंदा कैद खाने से बाहर निकले और सिपाहियों को खबर तक न हो? हमें नहीं लगता कि हिफाजत के इंतजाम इतने बुरे हैं। हो सकता है उसने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया हो जिसके बारे में हमें भी खबर ना हो। नहीं अफजा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इतना जरूर है कि किसी ना किसी गद्दार ने इस काम में उस दरिंदे की मदद जरूर की है और हम उस गद्दार का पता लगा कर रहेंगे। हो सकता है वहां के किसी पहरेदार ने ही उस दरिंदे की मदद की हो। उसका पता लगाया जाए अफजा साहब, और उसकी मौत खैबर की मौत ज्यादा खौफनाक होनी चाहिए। कसा जी हुजूर। हमें किस्मत से उस खुफिया सुरंग के बारे में पता चला है यतगा साहब, जो सीधी जोधा बेगम के खोजरे तक पहुंचती है। हम आपको उसके बारे में कैसे बता दें? गुस्ताखी मुआफ हुजूर, लेकिन शरीफुद्दीन ने जिस तरीके से बात की हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। माफी चाहते हैं, वो आपके बहनों ही हैं, लेकिन उन्होंने जोधा बेगम के लिए जिस तरह से बात की वो कायदे और लिहाज दोनों के खिलाफ। अब फिलहाल सिर्फ खैबर की मौत के इंतजाम करें, जोधा बेगम के पास जा रहे उनका ख्याल रखने, और आइंदा ऐसी गलती दोहराई ना जाए। शहंशाह ऐसे कैसे कर सकते हैं? रमजान के इस पावन महीने में वो किसी के वध करने का सोच भी कैसे सकते हैं? प्रणाम शहंशाह। शिकार के बाद हम आपसे फौर नहीं मिल पाए। दरअसल हम उस दरिंदे के साथ तजवीज करने में लग गए थे जो इस हरम में घुसाया था। हम उसका कत्ल सबके सामने करेंगे जोधा बेगम। परंतु शहंशाह, रमजान के पावन दिन चल रहे हैं, ऐसे में तो आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकते हैं। जोधा बेगम, भले ही रमजान और रोजे के फर्ज हम पर हो, लेकिन हम शहंशाह होने के नाते अपने फर्ज निभाएंगे। शहंशाह के भीतर एक मनुष्य का हृदय भी तो होता है, और हमारा वही दिल कहता है जोधा बेगम के उस दरिंदे को मौत दे और उसे एक मिसाल कायम हो, क्योंकि अगर हम उसे सजा नहीं देते हैं तो इंसान यही सोचेगा कि शहंशाह के हरम में बेखौफ होकर घुसा जा सकता है। शहंशाह, हमें पूरा विश्वास है कि वो स्वयं यहाँ पर नहीं आया होगा, उसे किसी ने भेजा है, और फिर उसने हमें कोई हानि भी नहीं पहुँचाई। नुकसान तो हमारा हुआ है ना जोधा बेगम, नुकसान मुगल सल्तनत के कायदे, मुगल सल्तनत के कानून का हुआ है, मुगल सल्तनत की तहजीब का हुआ है, नुकसान हमारे गुरूर का हुआ है जोधा बेगम।
और आप उस इंसान की तरफदारी कर रहे हैं जो रात गए आपके हुजरे में घुसाया। शहंशाह, क्या हो गया है आपको? आपके भीतर की मनुष्यता कहाँ गई? वो कोई पशु नहीं, मनुष्य है। और फिर हमारे एक इशारे पर उसने किसी पर हाथ भी नहीं उठाया। क्या चाहती क्या चौथा बेगम? यही चाहती ना आप कि एक मर्द वैसे ही करे जैसा आप चाहे, आपके इशारे पर नाचे, आपके इशारे पर खड़ा हो, आपके इशारे पर बैठे। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो एक नेक दिल इंसान है। अगर वो खुद की जरा सी सोच का इस्तेमाल करता है तो फिर वो बेवकूफ है, फिर चाहे वो शहंशाह क्यों ना हो। अब बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? हम बात को वहीं ले जा रहे हैं जोधा बेगम, जहां उसकी जरूरत है। आप ये ना समझे जोधा बेगम कि हम आपके हाथों की कठपुतली हैं। इस सल्तनत की बागडोर हमारे हाथों में, यहाँ हर एक इंसान हमारे सामने झुकता है, यहाँ हर एक इंसान हमसे खौफ खाता है। ये ना भूले आप जोधा बेगम की हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। ये मत भूलिए कि आपको अकबर नाम आपकी तलवार के कारण नहीं, आपके प्रेम और आपके सद्भावना के कारण मिला है। तो रहम दिल होने का मतलब ये नहीं है जोधा बेगम कि हमारे हरम में कोई भी गुस्सा आएगा और हम उसे माफ कर देंगे। जोधा बेगम, खैबर की मौत होगी और इस मौत से एक मिसाल कायम होगी जिसके बाद कोई भी इंसान हमारे महल या हमारे हरम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये क्या हो गया है आपको शहंशाह? आप हमें बिल्कुल भिन्न व्यक्ति क्यों लग रहे थे? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब आपके मन में हमारे लिए प्रेम ही नहीं रहा है। शहंशाह, इसे पूर्व कुछ हो, हमें आपसे बात करनी है। इस वक्त नहीं जोधा बेगम, हम बाद में बात करेंगे आपसे। परंतु हमें अभी आपसे बात करनी है। आपको स्मरण है एक बार आपने हमें वचन दिया था कि जीवन में एक बार हम जो चाहें आपसे मांग सकते हैं और आप हमें देंगे। हमारा वादा है अपनी बेगमात से कि वो जिंदगी में एक बार जो चाहे जो भी हमसे मांग ले हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। याद है हमें आपका वचन पूरा करने का समय आज और अभी है। चाहती है कि आपके दिए हुए वादे को हम इस वक्त पूरा करें? ठीक है, फरमाइए। हम चाहते हैं कि आप खैबर को प्राण दान दें। आप सुन चुके हैं जोधा बेगम कि हम उसके कत्ल का हुक्म दे चुके हैं। जी, परंतु आपके आदेश पर ही रोका जा सकता है। पर यदि आपको अपना वचन पूरा करना है तो आपको खैबर को जीवन दान देना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।